गांधी का कांग्रेस ने हमेशा झूठे वायदे किए हैं, झूठ के लिए जानी जाती है। भारतीय जनता पार्टी बंद करिए, अनिल भाई प्रेस हो रही है। भारतीय जनता पार्टी राजग गठबंधन की सरकार जो वायदे पूरे करती है, 559 वायदे थे भाजपा के, 539 पूरा करके दिखाया, और राहुल गांधी झूठ बोल रहे, घबरा गए। दूसरा एक सवाल है, ओवैसी का आज एक बयान आया है, उन्होंने कहा पुलवामा घटना के वक्त, क्या उन्होंने सवाल पूछा है कि क्या नरेंद्र मोदी आईडी नीचे करा या तो ऊपर? ओवैसी का सवाल उसका एकदम अप्रासंगिक है, झूठ है। नरेंद्र मोदी के बड़े कदमों से ये सारे दल घबरा गए हैं, अनाप शनाप प्रलाप कर रहे हैं। राहुल गांधी ने हमारा आईडी उठाया, राहुल गांधी ने कल बयान दिया है कि प्रत्येक गरीब परिवार को 6000 आईडी दिखाओ कमले, क्या बताया? राहुल गांधी जो कह रहे हैं भाजपा करके दिखा रही है, प्रति परिवार गरीब परिवार को वर्ष में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसान सम्मान निधि तक 1,06,000 रुपए प्रति वर्ष पड़ रहा है। राहुल गांधी तो अभी कल्पना कर रहे हैं जो उनके द्वारा संभव नहीं। आज कांग्रेस के इस बयान की मैं कड़ी निंदा करता हूं, और कांग्रेस हमेशा पाखंड करती रही है। अभी कांग्रेस की नेता का पाखंड आपके बगल में रामनगर में पूज्य लाल बहादुर शास्त्री की मूर्ति पर अपनी चढ़ी हुई माला पहना करके उन्होंने अपना पाखंड, अपना संस्कारहीनता दिखाई। कल फिर अयोध्या आ रही हैं, प्रियंका गांधी उस पर क्या प्रतिक्रिया है? वो राष्ट्रीय महामंत्री हैं, जहां जाए मेरी कोई टिप्पणी नहीं। अखिलेश यादव बोले सिर्फ भाजपा एक सीट जीत पाएंगे, अखिलेश यादव एक सीट के लिए तरस रहे हैं। कोई संपर्क में सपना चौधरी? अखिलेश एक सीट के लिए तरस रहे हैं, होली की अभी चल रही है, आप शुभकामना। आप सभी काफी क्षेत्र के किसान मोर्चा के अध्यक्ष बना ले, प्रोफाइल बनाए आपको सभी विधानसभा के प्रभारी और संयोजक, हम सब क्षेत्र संयोजक, सम्मानित सभासद चेयरमैन या अन्य पार्टी के पदाधिकारी तथा इस जिले के गणमान्य सम्मानित नागरिकों, सम्मानित दर्शकों, अपने लोकप्रिय सांसद जिन्होंने अपने परिश्रम के बदौलत जनता ने आशीर्वाद देते आपने मेहनत करके 2014 में है, आपके विश्वास से भरोसा है। पूरा निश्चित तौर से मैं अग्रवाल साहब का अभिनंदन करता हूँ कि 2019 में भी आप अपने सांसद डॉक्टर महेंद्र पांडे जी को पुणे की गई बनाएंगे। इस भरोसे इससे कुछ हद बात क्या हो सकती है? सबसे सामर्थ्य के विषय में बहुत कुछ मैं नजर नहीं करना चाहूंगा, लेकिन इतना आप सब लोग जानते हैं, हम भी जानते हैं कि आपने जो काम किया है, और आयुष्मान भारत का कार्ड दिया गरीबों को, सामान्य लोगों को जिनको अति बीमारी बड़ी बीमारी के प्रभावित हो, तो ये भी कोई बुरा काम था क्या? लेकिन उनके पेट में पीड़ा होती, विरोधियों को अच्छा नहीं लगता। आप जानते हैं कि यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने 3600 रुपए का पैग नियुक्त किया था किसानों का, जिसे